बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, वो ऐसे इंसान है कि सबके लिए सोचता है, सब इंसान के लिए सोचता है। इसीलिए मैं मुसलमान होते हुए भी ये पार्टी को इतना अच्छा लगता है उनका आइडियोलॉजी के ऊपर। आई लव दी पार्टी बिकॉज ऑफ सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम सीडिया में। आज हम मौजूद है हावड़ा के एसी मार्केट में, जहां पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी समर्थक लोगों ने मोदी पहाड़ा यानी मोदी के पहाड़ा टाइप का साउंड करने का ऐलान किया है। आइए हम मौजूद लोगों से पूछेंगे। फिलहाल तो अभी देख सकते हैं हमारे पीछे, हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर सब बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पाठ करने के बाद कुछ लोग जब बाहर आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे और यह मोदी पहाड़ा करने का मतलब क्या, क्या होगा बंगाल में भाजपा का सरकार या होगा अन्य सरकार, इनकी क्या है राय, देखने के लिए देखते हैं रियल टाइम्स इंडिया और आगे की खबर आपको हम देंगे मोदी पाड़ा की खबर। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कार्यकर्ता, ये बात कर सर आपका नाम? अहमद, डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद सर, मतलब सर आज यहाँ हनुमान चालीसा आप किस लिए उपलक्ष्य में मोदी पाड़ा हुआ सर, अभी फिलहाल हनुमान चालीसा हुआ, इस विषय में थोड़ा कुछ बताइए भैया सर। ये एक चीज़ है जो उनका जो आइडियोलॉजी है मोदी सर का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ही इज़ वेरी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, वो ऐसे इंसान है कि सबके लिए सोचता है, सब इंसान के लिए सोचता है। इसीलिए मैं मुसलमान होते हुए भी ये पार्टी को इतना अच्छा लगता है उनका आइडियोलॉजी के ऊपर। आई लव दी पार्टी बिकॉज ऑफ इज मतलब टॉलरेबल नेचर, वेरी वेरी टॉलरेबल नेचर। इसी कारण मेरा मन ऑलवेज खींचता है कि यहाँ आए और कुछ मेरा तरफ से अगर कुछ कर सके तो करेंगे, यही मेरा। सर मोदी पाड़ा हो रहा है, तो मोदी पाड़ा के बारे में कुछ बताइए सर। ये एक पार्टी है जो कोई इसके लिए नहीं करते, कोई मतलब अपना मतलब के लिए नहीं, इट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर। दे वुड लाइक टू डू एवरीथिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द कंट्री, ताकि उनका जो मकसद है मोदी पाड़ा का जरिए से पूरा हो। मोदी पाड़ा सर बोल रहे हैं सर कि नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में कहा बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे, विकास करेंगे, क्या लगता है सर होगा? 100% होगा सर, 200% होगा, 200% होगा। क्या लगता है सर बंगाल में किसकी सरकार होगी इस बार? मोदी सरकार कन्फर्म है सर? 100%। कितने मतों से आएगी इस बार? 205 यस। तो सर आप ये बताइए सर, कहाँ कहाँ मोदी सरकार ने विकास का जरिया शुरू किया है, कोई एक खास जगह बताइए? सब जगह में किया है, कोई खास जगह नहीं है, एवरीवेयर। लेकिन हमारी दिक्कत तो ये है कि बंगाल में ममता दीदी ने मोदी सरकार के विकास कार्यक्रमों को आने नहीं दिया। आज भी यहाँ पे 6th pay commission में सरकार को पैसा, सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है, जबकि पूरे भारत में 7th pay commission लागू हो चुका है। यानी एक एक सरकारी सरकारी कर्मचारी को कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपया हर महीना का लॉस हो रहा है, और ये सिर्फ ममता दीदी ने किया है। सर किसानों के साथ क्या हो रहा है? किसानों की हालत तो बहुत बुरी है, किसानों की पोजीशन अगर आप ये देखें तो एक बार आप नंदीग्राम जाइए, आप खुद वहाँ देख सकेंगे कि किसान लोग किस तरह से रह रहे हैं। उनके अम्फान के अंदर में जो गरीब किसानों के मकान झोपड़े उड़ गए थे, उनको अम्फान राहत सामग्री नहीं मिली, लेकिन तृणमूल के जो कार्यकर्ता थे जिनका अपना पक्का मकान है उनको राहत सामग्री मिल गई। किसानों की दशा दिल्ली में किसान के साथ क्या हो रहा है सर? दिल्ली के अंदर में अगर आप गौर से देखें, तीनों किसान जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो तीनों किसान का जो कानून है वो आढ़तियों के खिलाफ है, न कि किसानों के खिलाफ, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती उनको किसानों के खिलाफ करके देश में मोदी विरोध का एक माहौल बनाना चाहते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। धन्यवाद सर, आपका नाम? कैलाश भट्टड़। थैंक यू सर। तो आइए मौजूद है यहाँ पर मोदी पाड़ा के कुछ कार्यकर्ता। सर आप मोदी पाड़ा कर रहे हैं, क्या लगता है सर मोदी पाड़ा करने से क्या होगा उत्तर हावड़ा में? उत्तर हावड़ा में कमल खिलेगा, यह कन्फर्म है सर? एकदम 110% कन्फर्म है। उमेश राय जो यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, वो इस बार हम लोगों ने 15 से 20 हज़ार मार्जिन से हम लोग इस बार कमल खिलाएंगे इस बार हम लोगों ने। सर तो जो दिल्ली में हो रहा है सर किसानों के साथ, उस विषय आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये देखिए, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसके बारे में मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं। सर बोला जाता है कि टीएमसी से बहुत सारे पार्टी, ये मतलब बहुत सारे लोग टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए, लेकिन सर शारदा नारदा घोटाला में कुछ जो लोग जो शामिल थे, जैसे मुकुल राय जी का नाम आया था, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, उस दौरान वो लोग आज भाजपा में शामिल है, तो उनको भाजपा तृणमूल कांग्रेस गद्दार कह रही है,
लेकिन सर जब भाजपा में शामिल हो तो क्या वो दूध के दूल्हे हो जाएंगे? देखिए ऐसा है कि सीबीआई जांच कर रही है और जो गलत होगा वो गलत होगा। अब जो भी पार्टी में आया है, अगर पार्टी अच्छा होगा तभी पार्टी में आया है। और रहा बात हम लोगों को सीबीआई वाले से ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं है, जो भी वो कानून कार्रवाई करेगी और जो गलत होगा उसको जेल जाएगी। सर सर उत्तर हावड़ा में टीएमसी से कौन कैंडिडेट उठे हैं? टीएमसी से शायद गौतम चौधरी। अच्छा वो किस प्रकार के नेता, उस विषय में कुछ बता पाएंगे? सभी जानते हैं, वो तो एक भावी गुंडा है, वो सब जानते हैं, वो दिन भर गुंडा भी लोगों के साथ घूमते रहते हैं। नाम से डरते हैं, खौफ है। हाल ही में सर उमेश राय जी का एक भाषण आया था, एक बाइट आया था, जिसमें उमेश राय जी कह रहा था कि जो पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक रहे हैं तो उसको हम जो फेंक रहे हैं उसको 2 तारीख के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, कोई दादा दीदी पुलिस वाले कानून, वो क्या हो रहा था सर? ये एकदम सरासर झूठ है। वो जो वीडियो झूठ जिस प्रकार कह रहे हैं सर, उसका वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, एकदम देखिएगा उसमें क्या बोला है। 2 तारीख के बाद अपने हाथ पांव संभाल करेंगे, क्योंकि उसमें ये तो नहीं ना बोले वो कैंडिडेट की हम खुद मारेंगे, वो पब्लिक जवाब देंगे, पब्लिक मारेगी उनको। सर पुलिस उसमें क्यों जोड़ा गया, पुलिस मतलब पुलिस को क्यों नाम दिया गया उसमें सर? अरे पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ है इसलिए पुलिस का नाम जोड़ा गया है। आपको कहना था सर पुलिस पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के साथ? हाँ एकदम एकदम साथ में, तृणमूल की दलाली कर रही है पुलिस। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मोदी पाड़ा जो कर रहे हैं, एक बार हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को दिखा दें मोदी पाड़ा किस प्रकार कर रहे थे।